I have told this, but I'll tell it again. There is a couple who is traveling in a boat, okay, far away on an island, you know, and they have, you know, nice fruits and, you know, some sandwich, the knife, wipes, everything. They have the whole paraphernalia of the basket, okay, picnic basket. Unlo enjoy kar rahe hain boat ride, and both of them are there. There's no boatman. And suddenly it happens that there is a storm, okay, and the boat starts going crazy. Now the lady, newly married, hai, unlo, abhi wo lady ko dar lag gaya. Matlab newly in the sense, they had known each other for quite some time. So now the lady is very scared. वो बोलती है बोट पूरा हिल रहा है, बोट पूरा हिल रहा है. शी इज फ्रस्ट्रेटेड एंड स्केयर्ड. अभी क्या करे क्या करे. वो लड़का जो है, जो आदमी है, वो आराम से बैठा है. बोलते तू आदमी है कि क्या है, उसको हिला रही हो लिटरली. कुछ तो करना, कुछ तो करेंगे क्या. वो बोलते कुछ नहीं कर सकते, वी हैव डन आवर बेस्ट, वी हैव टू सिट एंड वेट. बट ही इज नॉट, ही इज जस्ट सिटिंग एंड शी इज मूविंग एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड भगवान ये क्या हो रहा है, एंड कंप्लीटली इन अ क्रेजी स्टेट ऑफ माइंड. And then she shakes the man and says, "Tu kuch to kar, dekho kya hai? How can you be sitting when the storm is coming and the boat is shaking and we may be drowned?" And so suddenly, what he does is a picnic basket में से एक चाकू निकालता है and उसके गले पे रखता है, लड़की के गले पे, wife का गले पे. And he says, "तुझे डर लग रहा है?" तो बोलती, "तेरे से? तू मेरे को कितना प्यार करता है? हटा चाकू, I'm not even scared. I know you won't harm me at all." तो बोलते तेरे को 6 महीने का शादी में तेरे को मेरे ऊपर इतना विश्वास है, मेरे को परमात्मा में पूरा श्रद्धा है, उसको डुबाना है डुबाएगा, बचाना है बचाएगा, जो होना है होएगा, शांति से बैठ जा बाजू में, बिकॉज राइट नाउ वी कांट डू एनीथिंग. सो दिस इज वेयर वी नीड टू बी, दिस इज वेयर वी नीड टू बी. व्हेन इन सच अ सिचुएशन, हैविंग डन एवरीथिंग, सरेंडर. तेरे को जो करना है कर ले, डुबाना है तो भी मेरे अच्छे के लिए होगा, और बचाएगा तो मेरे अच्छे के लिए होगा. दैट इज श्रद्धा, दैट इज श्रद्धा.